सोना मेहनत कर रही है इटली के लिए। ये रुका हुआ है रसमलाई के चक्कर में। सर्विस कर, इसको फायदा मिलेगा सर ससुराल जाके। क्या हेलो गाइस, स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। दोस्तों में नहावक मस्त रेडी हुआ, चल रहे हैं शॉप पे क्योंकि घड़ी में 8:30 बज चुके हैं और अब चलें नाश्ता करेंगे नीचे फिर निकलेंगे। बारिश हो रही थी बाहर, सुबह नहा रहे थे तो दो दिन से जब नहाने जा रहे हैं तभी बारिश हो जा रही है, फिर बंद हो जा रही है। चलिए देखते हैं अभी क्या सीन है, बारिश बंद है चालू है। वैसे बादल बना हुआ है, चलो आपको दिखाते हैं बाहर, बारिश का मौसम चल रहा है अभी। बाहर का मौसम देखिए, ये बारिश हुआ था सुबह और सुबह बादल भी है अभी काफ़ी ज़्यादा और उमस भी है, बारिश होगा पक्का क्योंकि उमस ज़्यादा है इस वजह से बारिश होगा, बादल है। चलिए हम फटाफट निकलते हैं दुकान पे। और A few hours later. So, है दोस्तों हम आ गए शॉप से घर पे और नहा के मस्त रेडी हो गए। देखिए इधर गोलू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई? तो ये मूवी देख रहा है और इधर ये अपना ट्यूशन का होमवर्क कर रही है, स्कूल का भी। तो चलिए हम लोग, खाना खाने टाइम हो गया है, नीचे से आवाज़ दे रहे हैं, तुम लोग खाना खाने नहीं जा रहे हो? आवाज़ आ रही है तो देखो। हाँ, आया ना? हाँ। माता ने बुलाया है, चलो। माता ने बुलाया है तो पड़ेगा। तो सो गाइस, जैसे कल हमने बताया था कि इडली बनेगा और आज इडली बना भी है तो मस्त। अभी से वो नहीं हो पाया था क्या, क्या कहते हैं उसको, फर्मेंट है, फर्मेंट। फिर भी तो ठीक तो बना है, देख के अभी दादी खा रही है। तो चलिए दोस्तों हम लोग भी खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आप लोग तो आए नहीं खाने, मैंने जैसे बोला था कि आप लोग को भी खाना बताइएगा बट आप लोग आए नहीं, तो हम लोग चल रहे हैं खाना खाने। और हनी अभी डांट सुनेगी तब जाएगी ये, जब तक ये डांट नहीं सुनती खाने के लिए ना तब तक नीचे नहीं आती है क्योंकि ये एकदम फिक्स हो जाती है, फेविक की जैसे लगता है कोई चपका दिया हो लगा के। ना बोलू सही बात है, आपको परफ्यूम लगाया क्या? नहीं। अच्छा, बॉडी लोशन है क्या? नहीं, परफ्यूम अलग होता है क्या? यस। तो गाइस हम लोग चले नीचे और क्या खाएंगे? इडली सांभर चटनी। सोना मेहनत कर रही है इडली के लिए और सबको आज खिलाएगी, कल रसमलाई खिलाएगी, आज इडली खिला रही है और कल खिलाएगी रसमलाई। जैसा कि अभी आज का प्लानिंग था, आज नहीं हो पाया इडली की वजह से, अब कल बनाएगी सोनम रसमलाई। सो गाइस हम लोग का देखिए इडली वगैरह आ गया है और ये रहा मेरा इडली और इधर रहा गोलू का और सोनम ने बहुत मेहनत किया इडली किलो के, चलिए खा के देखते हैं कैसा बना। तो गाइस हम लोग का खाना पीना हो गया है और बस बची है सोनम, खा रही है अभी देखिए इडली लगभग लगभग दबा चुकी है। Nice. काफी अच्छा था, काफी टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। और इधर बनी है, इधर बनी मम्मी खा रही है, उधर बनी की मौसी है, बनी की मामा। तो चलिए दोस्तों और अभी हनी कुछ टाइम हो जाएगा फिर हमको कॉल करेगी, हम सो जाएंगे तो कॉल करेगी। अच्छा आप सो जाते हैं, इसका आदत ये है, हम सो जाएंगे तो कॉल करेगी। भैया नेट वाईफाई दीजिए, कंफ्यूजन की दुनिया में आपका मैं कॉल करती हूं तो आप समझ भी जाते हैं। हां तो अब उतने रात में फोन करोगी तो क्या करेंगे बताओ, समझ ही जाएंगे ना। सही बात है, अब ये कर दीजिए, मजा आ गया। लेकिन गोलू नीचे है, कहां गया? डांस दीवाने देखते हैं, इतना मजा आ जाता है ना रात में। चलो तभी कर देते हैं, अपना कनेक्ट कर लेना और सोने वाला डिस्टर्ब मत करना, सो जाते हैं तो फिर नींद खुल जाती फिर नींद नहीं आती है। The next day. So guys, देखे आरओ बनाने वाला इंजीनियर आया हुआ है, सस्ता इंजीनियर ब्रिजेश। अगर आपका भी आरओ खराब हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा और आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आरओ को सर्विस के लिए और नए आरओ के लिए। और इधर सोनम बना रही है रसमलाई जो आज फाइनली बनने वाला है, ब्लॉग ये आज स्टार्ट हो रहा है उसके नेक्स्ट डे। अभी जैसे हम भी शॉप से आ रहे हैं और शायद आरओ में कुछ प्रॉब्लम था तो ये सही करने आया है। क्या हुआ था यार? वो चेंज हो ना। हाँ? चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया था? फिल्टर। फिल्टर। ओके। तो गर्मी में काफी तेज है गाइस।
अगर आप लोग को आरओ के सर्विस या नया आरओ लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूंगा और आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस देखिए इधर रसमलाई की वो बन रहा है, सेब बनाया जा रहा है अभी। और इधर चाची है, इधर सोनम बेचारी बहुत मेहनत कर रही है, टाइम आगे कुछ ना कुछ तो बना ही रही पर डे। और देखिए कैसा बनता है, बनने के बाद दिखाएंगे आपको। और हमारे इंजीनियर साहब सही कर चुके हैं। ए पगार पैसा तो नहीं मिलेगा, कहाँ बैठे हो यहाँ पे? पैसा लेने के लिए बैठे हो? पानी नहीं पिलाई तुम इसको? इतना रसमलाई में बिजी हो गई, बेचारी पानी नहीं पिलाई। देखिए गाइस ये भी नहीं जा रहा कि रसमलाई खा के जाएंगे, ये रुका हुआ है रसमलाई चक्कर में। सर्विस कर लिया लेकिन फिर भी जा नहीं रहा है, रसमलाई देख लिया है तो कर हम नहीं जाएंगे। पैसा मत दीजिएगा हमको, रसमलाई खिला दीजिएगा। अरे मुंह से बोलो, नाक से काहे बोल रहे हो? ये लड़का कसम खा के बैठा है, ये तो रसमलाई नहीं खाएंगे तो नहीं जाएंगे। अरे चुप कर ले, भाग जाएंगे। रसमलाई खाए के जा बोलता था, रसमलाई आज नहीं हो जाएगा, बट मेरे को टाइम नहीं है, हम नहीं रुक पाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कौन से गांव है तुम्हारा? जतकपुर निर्माला धरती धाम गुड़ाधार के बगल में। नाम है कि गांव का नाम है? गांव का नाम है, गूगल मैप पे डाल लेना। कुछ ज्यादा बड़ा नाम नहीं हो गया है? मेरे एक जैसे देखिए धरती डाल के बगल में बूढ़ा डाल है, बूढ़ा डाल के बगल में जतकपुर निर्मा डाल है, धरती डाल के बगल में निर्मा डाल है। करेलापुर कहाँ है? देखिए गाइस मेरा रसमलाई ले आ गया है, फाली आज रसमलाई लेके आ गई है। तो मेरा फ्रिज में रखी थी, कहाँ रखी थी इसको? फ्रिज में ही है, तुम जल्दी मांग रहे हो तो ठंडा तो हुआ ही नहीं यार। खाओ फिर, अभी बहुत बचा है। वो तो मालूम है ढेर सारा बनाई है, लेकिन यार तुम इतना देर वेट कराई हो। यार रसमलाई खाने जा रहे हैं और भैया खा के बताएंगे कैसा है। भैया देखिए रसमलाई फाइनली बन गया है सोनम का, बहुत मेहनत की बेचारी। कैसा है? यम्मी है, मस्त एकदम। कैसा था? बहुत बढ़िया हूँ। सोनम बहुत मेहनत करे से बेचारी। नहीं हाँ। इसका ये जो रेसिपी है, ये जो डिश है, मतलब वो क्या कहते हैं कि ग्रेवी है, अच्छा। रस है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सॉफ्ट भी है। जो ये रसमलाई है काफ़ी सॉफ्ट है, स्पेशली ये घर का पनीर है ना, इसके वजह से और सॉफ्ट है। और मेहनत की है लड़की, इसको फायदा मिलेगा ससुराल जाके। क्या यहाँ तक खाएगा? ससुराल जाके फायदा मिलेगा, ससुराल सीख लेगी तो काम ही देंगे कि ससुराल जाने में। देखिए ये लड़की सबसे लेट आई है खाना खाने, घड़ी में 11:30 बज गया है और ये जब तक ये डांट नहीं सुनती खाने के लिए तब तक ऊपर से नीचे नहीं आती खाने के लिए। पर डे इस लड़की की आदत हो गया डांट खाना, खाना कम खाती है इसलिए डांट खाती है, इसलिए पतली है, खाना खाए तो थोड़ी मोटी हो जाए। सो गाइस ब्लॉग करते हैं पेंट और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी आज की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।